अपने पाकिस्तानी फेसबुक फ्रेंड से पाकिस्तान में जाकर शादी रचाने वाली अंजू के मामले की अब जांच होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एमपी पुलिस की स्पेशल ब्रांच अंजू के पाकिस्तान जाने के मामले की जांच करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अंजू का यूं पाकिस्तान जाना संदेह पैदा करता है, इसलिए अब इस मामले की जाँच स्पेशल ब्रांच से कराई जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में अंजू की आव भगत हो रही है उससे शक पैदा होता है। कई संदेह तो अंजू के पाकिस्तान पहुंचने पर भी हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कहीं अंजू के पाकिस्तान जाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं, इसलिए स्पेशल ब्रांच इसकी जांच करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि स्पेशल ब्रांच को निर्देश दिए गए हैं कि वो अंजू के पाकिस्तान जाने की बारीकी से जाँच करे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि स्पेशल ब्रांच पूरे मामले की कई कड़ियों को जोड़ेगी। पुलिस पता लगाएगी कि अंजू आखिर पाकिस्तान कैसे पहुंची। इससे पहले कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार दावा किया जा रहा है कि अलवर में अपने पति और बच्चों को छोड़कर जाने वाली अंजू ने पाकिस्तान में जाकर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है, अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। रविवार को यह बात सामने आई थी कि अंजू ने जब अपने पिता से फ़ोन पर बातचीत की थी तब उसने नसरुल्लाह के साथ अपने निकाह को अफवाह बताया था। इधर हिंदू महासभा ग्वालियर में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। महासभा के सदस्यों का कहना है कि अंजू के परिवार की गतिविधियां संदिग्ध हैं। कुछ ही दिनों पहले महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दावा किया था कि 11 सदस्यों की एक टीम ने अंजू के परिवार की जांच पड़ताल की है और इस जांच पड़ताल में सामने आया है कि अंजू का परिवार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। महासभा ने इस पूरे मामले में अंजू के पिता गया प्रसाद की भूमिका पर भी संदेह जताया था। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। ये मामला ग्वालियर से जुड़ जाने के कारण अब मध्य प्रदेश पुलिस भी इस मामले की जांच कराएगी। अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आव भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है।